पैसा आज के ज़माने में बहुत मायने रखता है, ये ना हो तो इंसान को बहुत परेशानी झेलने पड़ते हैं। इसलिए हर कोई अपने जीवन में पैसों की आवक बढ़ाने में लगा रहता है, लेकिन कई बार लाख कोशिशों के बावजूद पैसा नहीं आता है। यदि आता भी है तो जल्दी खर्च हो जाता है। घर में पैसा ना टिकना भी एक बड़ी समस्या होती है। इसकी एक वजह है देवी लक्ष्मी का घर में वास ना करना भी होता है। धन की देवी लक्ष्मी कुछ खास परिस्थितियों में घर प्रवेश नहीं करती हैं। इस बात का जिक्र अपने जमाने के मशहूर विद्वान आचार्य चाणक्य ने भी किया था। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ विद्वान और महान विभूति थे। वे एक अच्छे शिक्षक भी थे। किताबी ज्ञान के अलावा उन्हें लाइफ की अच्छी और खराब परिस्थितियों का भी अच्छा अनुभव था। इसी के आधार पर उन्होंने चाणक्य नीति भी लिखी थी। यह काफी कार्य की है। इसमें कुछ ऐसी लाइफ मैनेजमेंट टिप्स हैं जिन्हें आज के मॉडर्न जमाने में भी अप्लाई किया जा सकता है। अपने इस नीति में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि जिन घरों में तीन विशेष बातें होती हैं, वहां देवी लक्ष्मी सदैव अपनी कृपा बनाए रखती हैं। ऐसे घर में धन की कमी कभी नहीं होती है, वहां पैसा आता रहता है। धन की हानि नहीं होती है। देवी लक्ष्मी की कृपा से उन्हें धन अर्जित करने के कई अवसर मिलते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको कि वे कौन सी बातें हैं जो देवी लक्ष्मी को खुश करने के लिए आपके घर अवश्य होनी चाहिए। ज्ञानियों का सम्मान। जी हाँ, बता दें आपको कि जिस घर में ज्ञानियों का सम्मान किया जाता है, वहाँ देवी लक्ष्मी जरूर आती हैं। दरअसल जब आप एक ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो उससे प्रेरणा लेकर बहुत कुछ सीखते भी हैं। यही सीख आपको धन अर्जित करने और उसका सही उपयोग करना सिखाती है। वही मूर्ख व्यक्ति की संगत आपको समस्याओं से भर देती है। यही वजह है कि आपको मूर्खों की हाँ में हाँ मिलाने या उनकी तारीफ सुनने के बाद कभी प्रसन्न नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ज्ञानी व्यक्ति की डांट सुनना उससे कई ज्यादा लाभदायक रहता है। अन्य का सम्मान। जी हाँ, बता दें आपको कि जिस घर में अन्न की बर्बादी नहीं होती है, जरूरतमंदों को अन्न दिया जाता है और हमेशा अन्न का सम्मान किया जाता है, वहाँ देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। उन्हें धन की भी कोई कमी नहीं होती है। अन्न का कभी भी गलत उपयोग या अपमान नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार अन्न ब्रह्मा का रूप होता है। उन्हें धन की भी कोई कमी नहीं होती है। अन्न का कभी भी गलत उपयोग या अपमान नहीं करना चाहिए। जीवन साथी का सम्मान। जी हाँ, बता दें आपको कि जिस घर में पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहते हैं और एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, वहाँ भी देवी लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। ऐसे घरों का माहौल बहुत खुशनुमा रहता है। लक्ष्मी जी को यही चीज पसंद होती है। वही लड़ाई झगड़े करने वाले पति पत्नी के बीच देवी लक्ष्मी रहना पसंद नहीं करती हैं। बता दें आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त की। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट फ्रेंड इस फीचर पर।